वांछत इच्छुक अपि यद्यपि विसक्तम अनुभवी वैद्य अनुवाद एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति योग के विज्ञान में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में उसकी सहायता करना तो दूर रहा। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देवताओं द्वारा प्रदत्त वरों में ठाकुर पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रदत्त वरों में यही अंतर है। देवों की भक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए वर मांगते हैं, इसलिए श्रीमद् भगवद्गीता 7:20 में इन्हें बुद्धि से विहीन कहा गया है। उपासना के विधि विधानों का पालन करते हैं। बद्धजी प्राय बुद्धिहीन होते हैं क्योंकि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए तीव्र इच्छा रहती है, वे यह नहीं जानते कि कौन सा वर माना जाए। इसलिए अभक्त जनों के लिए शास्त्रों में उपदेश दिया गया है, वे भौतिक लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करें। उदाहरण, यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई रोग से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्यदेव की पूजा करने को कहा जाता है। किंतु देवताओं से बल प्राप्त करने की समस्त प्रार्थनाएं भौतिक काम वासना के कारण होती है। ये वर दृश्य जगत के अंत होते हैं, होते ही वर देने वाले के साथ समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई वर मांगने के लिए भगवान विष्णु श्री विष्णु के पास जाता है तो ये उसे ऐसा वर देते हैं जो उसे श्री भगवान के धाम वापस जाने में सहायता करेगा। इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने भगवद्गीता 10:10 में की है। तेषां सततिक्तानां हस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां प्रयान्ति। भगवान श्री विष्णु या श्री विष्णु उस भक्त को जो निरंतर उनकी सेवा में लगा हुआ है उपदेश देते हैं कि इस भौतिक संसार शरीर की संपत्ति और उन तक किस प्रकार पहुँचा जाए। उपदेश देते हैं कि इस भौतिक शरीर की समाप्ति पर उन तक किस प्रकार पहुंचा जाए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 4:9 में कहते हैं कि जन्म कर्म चमेव दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहि मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। वह भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का वर है। अपना शरीर त्यागने के बाद भक्त भगवान के धाम को वापस जाता है। भक्त मूर्खता बस भौतिक वर मांग सकता है, किंतु भक्ति प्रार्थनाओं के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ऐसा वर देते नहीं। इसलिए जो लोग भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है वे समानता भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के भक्त नहीं बनते अपितु वे देवताओं के भक्त बन जाते हैं। कामस्ते हरित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। किंतु श्री भगवद गीता में देवताओं द्वारा दिए गए वरों की निंदा की गई है। अंतवतु फलम तेसा तद भवत्य अल्पमेधसा। अल्पाग्य मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। एक अवैष्णव को जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में नहीं लगाता अल्प बुद्धि वाला मूर्ख माना गया। जगत श्रील प्रभुपाद की नमो। विष्णु पदाय कृष्णा कृष्णाय श्रीमते वे स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौर
आप सभी भक्तों से मैं दया की प्रतिदिन की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि भागवतम ये जो स्कंद है कैसे भगवान अपने भक्तों के भक्ति का पोषण करते हैं, इस स्कंद से यदि हम भी चाहें तो हम भी अपने भक्ति का पोषण करते हैं गुरु और गौरांग और वैष्णव की कृपा से इस भागवत को समझ कर। अतः आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं के चरण कमलों में हमारा प्रणाम है ताकि इस भागवत के आचार्यों ने जो कहा है उसके रहस्य को यथा रूप में कहने का साहस कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वाचा कल्पत्र नाम पावन भी वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। यह अध्याय बिल्कुल अब विराम के कगार पे है। दसवां अध्याय में युद्ध होगा और ग्यारहवें अध्याय में भित्रासुर के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति होगी। तो एक एक श्लोक भगवान बहुत हम जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि कैसे हम अपने भक्ति का सिंचन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। वो पंखा एक्स्ट्रा चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, एक्स्ट्रा लाइट जा रही है, बल्ब बुझा दीजिए, इधर जला दीजिए, ये वाला जलाइए, उधर बंद कर दीजिए, बिजली बिल देना पड़ता है। भगवान कैसे अपने भक्तों के भक्ति का पोषण करते हैं, तो पिछले श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं। देखिए यह श्लोक श्री भगवान उवाच, किसने बोला है? भगवान जो सट ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म प्राग परम ब्रह्म है वो ये श्लोक बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं ये श्लोक? किसको बोल रहे हैं? देवताओं के सामने बोल रहे हैं। भगवान एक तरह से किसी श्लोक में खेद प्रकट कर रहे हैं, किसी श्लोक में शुद्ध भक्तों की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे शुद्ध भक्त की स्थिति क्या होती है। तो पिछले श्लोक में भगवान दो चीजों का निवेदन किए, कृपण किसे कहते हैं और ब्राह्मण किसे कहते हैं। कृपण मतलब होता है कंजूस, कृपण मतलब कंजूस, जो व्यक्ति बिल्कुल भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, और कितना परसेंट लगा हुआ है, और जो व्यक्ति ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म, जो ब्रह्म के बातों को शास्त्रों को वेदों के विचारों को भावों को आचार्यों के गुणों को गाता है सुनाता है प्रचार करता है दैट इज ब्रह्म। ऐसा नहीं है कि यदि हम ब्राह्मण परिवार में द्विवेदी चतुर्वेदी बोलते हैं पांडे जी तिवारी जी के यदि हम परिवार में आ गए तो हम बस हो गए पंडित, वो तो है ठीक है जन्म जात है, लेकिन कर्म वाला जो ब्राह्मण है वो सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में गुण कर्म विभाग चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग, जैसे गुणों और कर्मों के अनुसार इस सृष्टि में वर्ण और आश्रम बने हैं। यदि हम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थी वाले हमारे अंदर गुण है तो हमको गृहस्थी में डाला गया है आश्रम में। यदि हम ब्रह्मचारी वाले गुण है मेरे अंदर और ब्रह्मचारी वाले कार्य कर रहे हैं ब्रह्म जानाती हम ब्रह्म को पालन कर रहे हैं ब्रह्म की सेवा पूजा में लगा दी अपने शरीर को तो ब्रह्मचारी है। कहने का मतलब है कि इस गुणों के अनुसार कर्मों के अनुसार हमें ये विभाजन मिला है। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और काम कर रहा है सब्जी का तो वो शूद्र है, वैश्य है, शूद्र वैश्य कहा जाएगा क्योंकि वो व्यापार कर रहा है। कि कर्म उसका कैसा है? कर्म कैसा है? व्यापार वाला है, इसलिए वो व्यापारी यानी वैश्य है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के किसी की दासता किसी की नौकरी कर रहा है तो क्या है? क्या है? शूद्र है। ब्राह्मण का धर्म है इस वेदों ज्ञान के बातों को जन जन तक जाकर के पहुंचाना, और आज के परिवेश में आज के समाज में यही नहीं हो रहा है, उल्टा हो गया है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने इस्कॉन के द्वारा इस दुनिया को क्या दिया है? ब्राह्मण दिया है। इसलिए ब्राह्मण की बहुत जरूरत है आज के समय में। इसलिए महाराज प्रभुपाद जी ने सबसे अधिक सन्यासी बनाए हैं हमारे इस्कॉन में, सबसे अधिक सन्यासी है और संप्रदाय में लीजिए सबसे अधिक सन्यासी इस्कॉन में है हर जगह, क्योंकि उनका काम है प्रचार करना। हरिनाम के बाद ब्राह्मण लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा के बाद सन्यास हो जाते हैं, ये सिस्टम है। तो ब्राह्मण और कृपण की बहुत सुंदर व्याख्या भगवान ने करी है कि कौन कृपण है और कौन ब्राह्मण है। बहुत सारे सुंदर सुंदर
श्लोकों के द्वारा भगवान ने इसको बताने का प्रयास किया है, जीव कैसे ब्राह्मण हो सकता है, कैसे कृपण हो सकता है। आज के श्लोक में भगवान शुद्ध भक्त, एक शुद्ध प्योर डिवोटी के लक्षण क्या होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, कि हमारे शुद्ध भक्त किस तरह का प्रवचन और उपदेश देता है। एक शुद्ध भक्त जब बोलता है किसी को तो क्या बोलता है, उसके हित के लिए बोलता है कि अहित के लिए बोलता है, यही चर्चा यहाँ पर की गई है। इस श्लोक के माध्यम से हम लोग यही सुनने का प्रयास करें। तो कह रहे स्वयं निश्री संविद्वान, पहला शब्द है स्वयं निश्रेयसम विद्वान, बोले स्वयं स्वयं निश्रेयसम विद्वान, जो विद्वान है, विद्वान कैसे है, वित्तवान, वित्तवान विद्वान उसे कहते हैं जो वित्त यानी वेदों को जाने, वेदों के सार को जाने, शास्त्रों के निचोड़ को जाने, पुराणों के निचोड़ के जाने, उपनिषदों के निचोड़ के जाने, उसे विद्वान यानी वेदों को जाने उसे विद्वान बोलते हैं। साथ ही साथ विद्वान उसे भी कहते हैं जो अपने परम लक्ष्य को जाने। वेद बहुत लोग जानते हैं लेकिन अपना परम लक्ष्य नहीं जानते, तो उनको विद्वान कहेंगे नहीं कहेंगे हम विद्वान। वेद जान करके हम अपने परम लक्ष्य को, जैसे निराकारवादी निर्विशेषवादी वेद को जानते हैं, उपनिषद भी जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि बस विलीन हो जाना है, मर्ज हो जाना है, कि हमारे परम लक्ष्य है। एक जीव का विलीन होना परम लक्ष्य है, बोली हाँ चाहे नहीं, कुछ तो बोलिए, नहीं ये परम लक्ष्य नहीं है। तो वेद जान के भी अपना परम लक्ष्य, अपना श्रेय नहीं जानते कि हमारा श्रेय क्या है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतनी है। विद्वान उसी को कहते जो अपने परम लक्ष्य को जानते हैं, नी श्रेय सम, अपना श्रेय जानता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य साध्य क्या है और साधन क्या है, ये भी जानता है। वेद तो जानेगा ही लेकिन साधन और साध्य दोनों को जानता है, उसे विद्वान कहेंगे। यहां पर वंशीधर जी बहुत सुंदर टीका में कहते हैं नी श्रेय सम के बारे में, निश्रेय सम पर वंशीधर जी कहते हैं कल्याण आत्मविद्या लक्षणम, निश्रेय सम के बारे में कहते हैं कल्याण आत्मविद्या लक्षणम। वंशीधर जी श्रीधर स्वामी के टिकाओं को थोड़ा सा और विस्तार किए हैं, श्रीधर स्वामी के टिकाओं को और विस्तार किए वंशीधर जी, श्री संप्रदाय के आचार्य हुए वंशीधर जी, इन्होंने एक टीका लिखी भागवतम के ऊपर, श्रीधर स्वामी की टीका को विस्तार कर दिए। श्रीधर स्वामी बड़ी शॉर्ट में दिए हैं, जल्दी आता नहीं है पल्ले में, बड़ा टफ है, उन्होंने सार सार लिख दिया है, लेकिन बंसीधर जी थोड़ा सा विस्तार कर दिए उसे। कहते निश्रेय सम मतलब होता है कल्याण आत्मविद्या लक्षणम, ऐसी विद्या का लक्षण जिससे आत्मा का कल्याण हो सके, ऐसा बंसीधर जी कहते हैं। मतलब ऐसा विद्वान व्यक्ति जो अपने आत्मा का, उस विद्या के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर सके, ऐसा लक्षण उसके अंदर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अब वेद उपनिषद पढ़ लिया, बस विद्वान की उपाधि लेकर घूम रहा है, नहीं, उसे आत्मा के स्वरूप में होना ही चाहिए। इन आत्मविद्या ही ना है हमारा, हम कौन है, आत्मा है, यही तो आत्मविद्या है कि हम कौन है, हमारा कनेक्शन किससे है, हमको जाना कहाँ है, खाना क्या है, किसका संग करना है, कहाँ जाना है, किसका दर्शन करना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रग का भाषा, एक साधु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, कब उठता है, कब जागता है, ईच एंड एवरीथिंग, हे प्रभु मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरे अध्याय में आएगा 54 या 55 नंबर श्लोक में ऐसे स्थित प्रग का भाषा। इसलिए विद्वान वही है जो अपने आत्मविद्या को के अनुसार, मतलब अपने स्वरूप में स्थित है और उस तरह का लक्षण भी प्रदर्शित हो रहा है कि हम आत्मा है। आत्मा का लक्षण स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान से रिलेटेड तदीय वस्तुओं की सत्कार आदर देना, ये विद्वान का लक्षण है। इसमें पूरा डिटेल्स हो सकता है लेकिन बंसीधर जी बोलते हैं कल्याण आत्मविद्या लक्षण, तो आत्मविद्या जान गया है तो वैसा लक्षण भी अपने
करता ही है लेकिन दूसरों को भी बचाता है, कल्याण करता है। बोले कहते हैं कि जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। पहले हम तैरना जान जाए ना भवसागर को, ठीक है भवसागर, हम तैरना जान जाएंगे तो दूसरों को भी तैराना पार करा देंगे, लेकर के पीठ वगैरह पर जाए जैसे भी। हम जब खुद नहीं तैरना जानते हैं दूसरों को बोलेंगे हाँ तू भी मैं कूद जा तो मर जाएगा ना वो डूब के। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जीवन सार्थक कर, कर पर उपकार। जीवन पहले सार्थक करना, अपना पहले अपने को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना है, अपने आप को अपनी इंद्रियों को वश में करना है। हमारा सब कुछ कंट्रोल होगा तब जब हम दूसरों को कहेंगे, दूसरों को करेंगे तो उसका कल्याण हो सकता है। जब हम खुद डूबने वाले हैं तो दूसरे को कैसे हम पार करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। इसलिए नहीं श्रेय सम कृपा जी कहते हैं भक्ति योग के विज्ञान में जो दक्ष शुद्ध भक्त, भक्ति योग के विज्ञान में जो दक्ष हो और शुद्ध भक्त हो, तो प्रश्न उठता है ये भक्ति योग की शुरुआत कब से शुरू होती है, ये भक्ति योग की शुरुआत कहां से होती है। कृपा जी लिखते हैं भक्ति योग के विज्ञान में, मैंने भक्ति योग जो विज्ञान है, भक्ति योग क्या है, एक विज्ञान है, एक ज्ञान नहीं है, क्या है विज्ञान है, मतलब भक्ति योग को जीना है, जीना है, जीना है। उसमें दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्मों में करने का उपदेश नहीं देता है। ये प्रभुपाद जी का पहला लाइन ही है ना, भक्ति योग यही बहुत बड़ी चीज है। तब प्रश्न उठता है कि भक्ति योग की शुरुआत कब से और कहां से शुरू होती है, भक्ति योग की शुरुआत कहां से होती है बताइए। कृपा जी लिखते हैं भक्ति योग के विज्ञान में दक्ष शुद्ध भक्त, मैंने शुद्ध भक्त दक्ष है किस चीज में, भक्ति योग के विज्ञान में। तो आचार्य कहते हैं भक्ति योग की शुरुआत सर्वधर्मान परित्यज्य से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज हम कर्म योग में है नहीं तो फिर ज्ञान योग में है नहीं तो फिर अष्टांग योग में होंगे। भक्ति योग की शुरुआत सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद शुरू हो जाती है। भगवान कहते हैं वर्ण आश्रम जो भी तथा कथित शारीरिक धर्म है उसको त्यज कर भगवान के शरण में आना ही भक्ति योग शुरू हो जाती है। यदि हम कर्म कर रहे हैं और कर्मों के कुछ धन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, दैट इज क्या हुआ, वो कौन सा योग होगा, कौन सा योग होगा, कैसे क्या हम 100% लगा रहे हैं। गोपाल कृष्ण महाराज जो काम करते थे तो पूरी सैलरी प्रभुपाद जी को देते थे, तो क्या हम पूरी सैलरी दे रहे हैं, हम तो इसलिए दे रहे हैं 10% 20% कि जो हम धन कमा रहे हैं वो शुद्धिकरण हो, तभी तो कर्म योग हो गया ना, ये तो भक्ति योग कैसे होगा। क्यों दे रहे हैं आप, इसलिए दे रहे हैं कि जो आप उसको कर्म के करने में जो पाप हो रहा है उसका निवारण हो, एक कर्म योग होगा। अगर टोटली कर्म यदि भगवान के लिए करेंगे दैट इज कर्म होगा, क्योंकि आप कुछ बचा रहे हैं अपने लिए, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार भारी भगत कर्म कर रहे हैं, ठीक है वर्ण आश्रम में अगर हैं हम विदेश आश्रम में हैं तो वो बाजे के लिए सिर्फ जब हम कर्म कर रहे हैं तो भक्ति योग का फॉर्मूला क्या है, ठीक है हाँ, एक पॉइंट लेना चाहिए, मनसा कर्मणा और वाचा तीनों तरीके से भगवान को अर्पण होना चाहिए। इंद्रियों से काम कर रहे हैं तो कुछ अपने लिए रख रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना उनके लिए, कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, ये पॉइंट हम सुनना चाहते थे। नहीं आपने बोला कि हम 10% दे रहे हैं, हम ये सुनना चाहते थे
उससे हम समझ गए, हम यही सुनना चाहते थे कि जो हम कर रहे हैं वो किस भावना और चेतना से कर रहे हैं। दैट इज मेन मोटो। हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा दुकान ही है, दुकान कर रहे हैं, ये प्रभु इस दुकान कर रहा हूँ, जो भी अर्थ आएगा आपकी सेवा और आपकी वैष्णों की सेवा में आएगा। इससे हम अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ नहीं करूँगा, दैट इज भक्ति जो। यदि यह भावना हो गई इस कार्य से, इस कंपनी से, चाहे जो भी पैसा मिलेगा इसे मैं अपनी इंद्रिय सुख करूंगा, तो क्या हो जाएगा वो? और कुछ ठाकुर जी के जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? कर्मयोग हो जाएगा वो। कुछ अपने लिए रख लेंगे कर्मयोग हो जाएगा ना। ये चेतना बहुत जरूरी है, ये चेतना काम करते हुए हमें बहुत बनाना जरूरी है, तब हम भक्ति योग में होंगे। नहीं तो अगर ऐसी चेतना की, इस चेतना से हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो दैट इज नॉट भक्ति योग। प्रभुपाद जी किसी से भी काम करते थे, दयानंद प्रभु भी काम करते थे, ब्रह्मचारी होकर भी, लेकिन किसके लिए? ठाकुर के लिए। ऐसी चेतना ही ठाकुर जी कहते हैं कि भक्ति योग है, भक्ति योग है। इसलिए भक्ति योग की शुरुआत ही वहाँ से होती है, क्योंकि चेतना हमारी बहुत अहम रोल करती है। जहाँ चेतना लगी रहेगी वहीं हम, हमारी चेतना अंत समय में वहीं जाने वाले हैं, नहीं तो फिर फंसने वाली काम होगी अंत में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि, फिर नरोत्तम दास भी कहते हैं कि मान लीजिए कोई काम आप कर भी रहे हो तो किसी भी तरह की जो अभिलाषा है अपने लिए वो शुद्ध भक्ति नहीं हुआ। अपने लिए भी अभिलाषा होगी तो शुद्ध भक्ति नहीं हुआ। एक मिनट इधर सुनिए, अरे कृष्ण इधर सुन लीजिए, बात कर लीजिए। नरोत्तम दास कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। अन्य अभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी, काय मन करी भजन, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन देते हुए कहते अन्य अभिलाषा छाड़ी, मतलब काम करते हुए अपना अभिलाषा क्या नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषा मतलब जो काम कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? ये चेतना पर डिपेंड करता है। तो क्या हम जो काम करते हैं वो केवल 100% कृष्ण की चेतना के लिए होता है, कृष्ण की तुष्टि के लिए होता है? हमारा कहने का भाई इस सूक्ष्मता को पकड़ ले जरूरत। नरोत्तम दास कहते हैं क्या हम जो कार्य करते हैं सब कृष्ण की होली होता है? शुद्ध भक्त की डेफिनेशन दे रहे हैं, ज्ञान कर्म परिहरी, जो ज्ञान है ना कर्म परिहरी उस सबको ताके में रखना है, मतलब हटा देना है। इसलिए बोलते हैं भक्ति योग में ज्ञान का कोई नहीं होता है, क्योंकि दिग्विजय पंडित बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जब आए नदिया में सब ज्ञान का गुब्बारा फूट गया होगा। तो हरि नाम जपे, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें प्रेमी बनना है। भक्ति योग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, जो ऐसे तथाकथित ज्ञान होता है उसे अहंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति योग के द्वारा जो ज्ञान होता है अहैतुक, वासुदेव भगवती जो भगवान वासुदेव की भक्ति करता है, जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च अहैतुकम, उसे अहैतुकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जो भगवान वासुदेव की भक्ति करता है। अगर हमारा ज्ञान हेतु रहित, हेतु सहित है, फिर वो फसाए का ज्ञान है, तो फिर अहंकार पैदा करता है। यही बात कर रहे हैं। फिर बोले काये मन करी व भजन, मतलब काया से, शरीर से भजन करेंगे, किसका? भगवान की, मतलब समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। मन मतलब बोलते हैं कि मन से कलयुग में माप है, तो मन से क्या हम किसी का अपराध करें, सही रहेगा चलेगा ये? अरे मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, यदि मन ठाकुर में लग गया ना, मन उस धाम में लग गया, मन भगवान के रूप लीला कथा में फंस गया, समझिए हमारा उद्धार निश्चित है। ये मन यदि दुनिया में फंसा है ना, तो शरीर से ठीक है भजन करेंगे, लेकिन मन जहाँ रहेगा हम वहीं वास करेंगे। फिर कह रहे आगे, साधु संगे कृष्ण सेवा, कृष्ण की जो सेवा है साधुओं के
संग में करनी है। और ना पूजी वो देवी देवा है, देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है, उनकी पूजा करने की बात है, उनकी निंदा करने की बात नहीं कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कल से शुरू हो जाएगा अरे दुर्गा माई ऐसी ऐसे ये कहने की नहीं कर रहे। नरोत्तम दास, नरोत्तम दास कह रहे हैं कि ना पूजी पूजा मत करिए, हम मान लीजिए किसी को प्रणाम मत करिए, ठीक है तो उसे बोलेंगे खराब आदमी है ये, तुम तो बहुत बड़े पापी हो, तुम भक्त नहीं हो, ऐसा कहेंगे हम? ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक अपराध हो जाएगा फिर। अरे इवन उसके अंदर भी तो परमात्मा है, उस परमात्मा को देख कर भी तो प्रणाम कर देना चाहिए। परमात्मा तो सब जीव में है ना, करे यही भक्ति परम कारण, इसी को बोलते हैं शुद्ध भक्ति। ऐसे शुद्ध भक्ति की बात करते हैं। इस तरह से शुद्ध भक्त जो होते हैं सभी तरह के अभिलाषा को छोड़ करके आते हैं, मतलब जो भी करते हैं, लेकिन अरे इस्कॉन मंदिरों में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन उनकी एक ही मनसा, उनका एक ही ध्येय होता है कि हमारे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न। यदि कोई जीवात्मा कहीं भी है, कोई भी कार्य कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है इस कार्य से हमारे ठाकुर और ठाकुरानी प्रसन्न हो, वैष्णव गुरु और भगवान प्रसन्न हो, उनकी सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो बिल्कुल क्या है शुद्ध भक्त के श्रेणी में है। क्योंकि उसकी चेतना जो भी काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है और कर भी रहा है, इसलिए शुद्ध भक्त का मतलब ओहदा होता है ऐसे आचार्यों के अनुसार बताया गया है। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर भक्ति साहब शुद्ध में आएंगे तो उसको बोलते हैं सर्व पाधिर विनिर्मुक्तम तत् प्रत्येन निर्मलम ऋषिकेशा भक्ति रुच्यते। ये बहुत सुंदर श्लोक है और नारद पंचरात्र का ये श्लोक है। मूल रूप से भक्ति रसा में सिंधु में रूप गोस्वामी एक एक बार मतलब पूर्व भाग के प्रथम लहरी के प्रथम अध्याय के प्रथम नंबर श्लोक में डालते हैं, मतलब लहरी है ना, पूर्व भाग प्रथम लहरी 12 नंबर श्लोक, ऐसे पूर्व भाग प्रथम लहरी 12 नंबर श्लोक। कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, वहां बोलते हैं अन्य अभिलाषा, जब उपाधि होती है ना तभी अभिलाषा होती है। जैसे हम किसी के पिता है या हम किसी के पति है, ये उपाधि मानकर आए मंदिर, तो ये होगा कि पत्नी की भी सेवा होनी चाहिए, पुत्र की भी सेवा होनी चाहिए। लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो पुत्र है हमारे भगवान का भी दास है, मैं भी भगवान का दास हूँ, मेरी पत्नी वो भी भगवान की दासी है, भगवान ने इस दास को मतलब हमें अपने दास और दासी की सेवा में हमें नियुक्त किया है, दैट इज सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ऐसा रूप गोस्वामी होते हैं। ये सोचना कि मैं काम कर रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बाल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, ये क्या है? ये सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम है, है क्या हम खिलाने वाले हैं? फिर बोलेंगे हम तो बुद्धि से कमाते हैं, भगवान कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, मैं बुद्धि देता हूं, बुद्धि निकाल देता हूं, अभी जाएंगे हम घर पे रह जाएंगे हम। फिर बोलते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम को हरम चा, तो स्मृति बुद्धि देना बंद कर देंगे तो हम जा पाएंगे? एज इट इज बैठे रहेंगे। कहने का तात्पर्य सर उपाधि विनिर्मुक्तम तत्त पृथ्वी निर्मलम, अर्थात तन्मयता के साथ अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं, अनुकूल भाव से भगवान को निर्मल मतलब क्या होती ज्ञान कर्म आदि, निर्मलम शब्द की व्याख्या करते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं ज्ञान कर्म आदि से ऊपर उठ करके भगवान की सेवा करना, अपनी समस्त इंद्रियों से ऋषिकेणा ऋषिकेशम सेवनम भक्तिर उच्यते, इसी को शुद्ध भक्ति कहा जाता। ऐसा क्यों चर्चा की गई पता है? मैं इस शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्यों लिया? क्योंकि हमको इसी पथ पर आने का प्रयास करना है।
बिना शुद्ध नाम और शुद्ध भक्ति किए हुए हम दो लोगों की प्राप्ति कर सकते हैं? तब कुछ बोले नाम अपराध करके हम प्रेम को प्राप्त कर जाए, वो संभव है? नहीं, हमें शुद्ध नाम के स्तर पर आना है और शुद्ध भक्ति के स्तर पर आना है, प्रयास करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे यदि हम करेंगे तो हम आ सकते हैं, ऐसा आचार्यों ने दिया है। यदि महाप्रभु के पास जाए तो महाप्रभु शुद्ध भक्ति के बारे में क्या बोलते हैं? न धनम न जनम न सुंदरिम, बोलिए, न कविता हुआ जगदीश कामयी, मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद् भक्ति अहैतुकि त्वयि। शिष्याश्रम का जो ये श्लोक है शुद्ध भक्ति को प्रतिपादित करता है। जब भी शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति की चर्चा होगी यह श्लोक सीधा उठा कर दीजिएगा वहां पर। न धनम, अब एक सन्यासी को क्या चाहिए? धन चाहिए, चाहिए धन, कभी मांगते हैं कि नहीं हमको दीजिए? अरे मिला तो ठीक है, नहीं तो परिव्रजकाचार घूमते रहते हैं और मिल ही जाता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। माधवेंद्रपुरी मांगते थे अयाच, उनका प्रण था मर जाएंगे लेकिन मांगने वाले नहीं मांगते थे। न धनम, धन नहीं चाहिए, न जनम, उसके पीछे नहीं भागते हैं जन कि हमारे फॉलोअर ज्यादा हो जाए। न धनम न जनम न सुंदरी, सुंदरता ऐसे भी उनके नहीं चाहिए। अभिताम वा जगदीश कामे, अर्थात लोग हमारी प्रशंसा सुंदर सुंदर अलंकारों के अनुसार न करें, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मनी, एक शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति करते हुए मम जन्मनी जन्मनी से भौती अहैत की केवल केवला भक्ति चाहिए उनको, यही मांगते हैं ना भगवान से कि हे प्रभु मुझे आपकी शुद्ध भक्ति देना। वे जानते हैं शुद्ध भक्त जब शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर जाता है तो शुद्ध भक्ति में इतना अबाध आनंद है कि दुनिया का आनंद फीका नजर आता है। रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। जब आदमी साधन भक्ति में होता है ना तो क्लेश अग्नि और सुविधा दोनों आ जाती है, क्लेश अग्नि और सुविधा दोनों आ जाती है। केवल हरिनाम शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो क्लेश जो उसे क्लेश है सब खत्म और सुविधा उसके जीवन में मंगल होने लगता है। साधन भक्ति में एंट्री लेने से ही सब कुछ सेटल हो जाते हैं, मंगल 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 भावना अमंगल हारी, मंगल आते हैं और अमंगल चले जाते हैं। ये साधन भक्ति का लक्षण है। अशुद्ध और भाव भक्ति में तो लीला में स्मरण करता रहता है बंदा। महाराज के बारे में वर्णन है, एक दिन रघुपति प्रभु जी रघुपति बता रहे थे कि महाराज जब नाम देते थे तो रोने लगते थे। यह चर्चा कर रहे थे हम लोग कि पता है क्यों रोते थे? प्रभु जी ने बोला कि नाम देने के बाद तुरंत भगवान की लीला का स्मरण करते थे। जैसे रघुपति तो रघु वंश में भगवान राम जी का जन्म हुआ, राम जी के और मर्यादा पिता के प्रति धर्म भाई के प्रति सब लीला महाराज को याद होने लगा, स्मरण होने लगता था, इसलिए रोते थे। यही हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन संध्या में रात में, क्यों रो रहे हैं? उनको क्या चाहिए? धन चाहिए। अरे जिसको विरह होगा ना ठाकुर से वही तो रोएगा। एक माँ को अपने बच्चे की याद आती तभी तो रोती है, चाहे बच्चा एक माँ के लिए क्यों रोता है? क्योंकि माँ की याद आती है। हम भी राधा रानी के बच्चे हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जो जगत जननी है श्रीमती राधा रानी के लिए कब हमें रोना है? एक दिन हमें भी वो बुला लेंगी, उठा लेंगी गोद में। आचार्यों ने एक करके अपने जीवन से आचरण करके दिखाया है। कहने का मतलब है इस शुद्ध भक्ति के स्तर पर हमें आना है। और शुद्ध भक्त का एक और लक्षण भगवत गीता के 12वें अध्याय में रूपा जी भगवान कहते हैं, उसको हम लोग दोहराएंगे, बहुत ही सुंदर वो श्लोक है, 12:17 नंबर श्लोक उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समेत्य। बारहवें अध्याय का 17 नंबर। इस अध्याय में शुद्ध भक्तों के लक्षण का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यो न हिरिष्यति, ज्यादा कुछ मिल जाता तो इतराता नहीं है। इतराता मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ ज्यादा नौकरी लग गई तो ऐसा नहीं कि पैजामे से बाहर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ज्यादा खुश नहीं होता है, हिरिष्यति ज्यादा हर्षित नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। आगे क्या बोलते हैं श्लोक में, न द्वेष्टि, द्वेष्टि मतलब शोक, दृष्टि मतलब नहीं होता है उसे, शोक नहीं करता है। और न कांक्षति, कांक्षति मतलब पछताता नहीं है, अरे अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। शुद्ध भक्त कभी पछताता नहीं है। और बोल रहे हैं आगे, न सोचती न सुख नहीं करता, कांक्षति न इच्छा नहीं करता है। साथ ही साथ कर रहे हैं शुभ अशुभ, मान लीजिए शुभ हुआ तो अशुभ हुआ दोनों को त्याग देता है, शुभ अशुभ दोनों को त्याग देता है। सही, अब ये श्लोक बड़ी सुंदर है, कृपा जी ने बहुत सुंदर प्रपोर्ट दिया है। शुद्ध भक्त शुभ अशुभ दोनों को त्याग देता है, क्योंकि सद्गुरु भी तो फंसा के रखता है ना, नहीं फंसाता है। शुभ कर रहा है, शुभ मतलब क्या, दान देना, खिलाना, कंबल बांटना, हॉस्पिटल बनाना, ये क्या है, समाज के लिए शुभ कार्य है। क्या लगता है फंसाएगा नहीं, फंसाएगा नहीं फंसाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। तीनों गुण फंसा के रखता है हमें, तीन गुण से ऊपर वासुदेव शुद्ध विशुद्ध सतगुण में आना। एक बात है, ऐसा भक्त हमारे लिए क्या होता है, प्रिय होता है। इस तरह से शुद्ध भक्ति बहुत सारा डेफिनेशन है, मैंने कुछ कुछ लाया था परंतु समय नहीं है, मैंने श्लोक भेज दिया है सर। ये शुद्ध भक्ति प्राप्ति कैसे होती, कब होती है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि शुद्ध भक्ति की हमें प्राप्ति कब होती है। ऐसा कहा गया है, बोलेगा जन्म कोटि सहस्रेषु पुण्यम एसमु परजितम तेसाम भक्ति भवे शुद्धा देव देवे जनार्दन सुलभम जानवी स्नानम तथैवादिति पूजनम सुलभा सर्वज्ञाश्च विष्णु भक्ति सुदुर्लभा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। जन्म कोटि, बहु जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है तो कहते हैं समूह परजितम, जब एकत्र होता है तो क्या मिलता है, भगवान की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। हो सकता है गंगा में स्नान करना आसान है, यज्ञ करना आसान है, परंतु परंतु भगवान विष्णु की कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भगवान हरि जब कृपा करते हैं ना, तभी जाके हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति। ये सब श्लोक है जो कि शास्त्रों से दिया गया है। यही बात कर रहे प्रभात जी, क्या कह रहे हैं कि श्लोक पाते हैं हम स्वयं न निश्रेषाय विद्वान, ऐसे शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख व्यक्ति को सकाम कर्मों में नियोजित नहीं करता है। कहता नहीं नहीं खाओ पियो मौत करो, ऐसा शुद्ध भक्त नहीं करता। करता है ऐसा शुद्ध भक्त नहीं, क्या कहेगा, वह उस वैद्य की तरह होता है जो शुद्ध सत्व जो वैद्य होता है। कैसा वैद्य करता है, अपने रोगी को कहता है भैया ये चीज मत खाना ताकि यह रोग बढ़ जाएगा, हटेगा। अगर रोगी मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट में भर्ती है, बोले थोड़ा रसगुल्ला हो जाए, डॉक्टर अलाउड करेगा, करेंगे डॉक्टर अलाउड, नहीं करेंगे डॉक्टर अलाउड, क्योंकि जानते हैं वो डॉक्टर कि यदि अगर और शुगर लेगा तो शुगर लेवल और बढ़ेगा, किडनी डैमेज होगा, हार्ट का पेशेंट हो जाएगा, मर जाएगा लास्ट में, यही ना होगा, यही ना होता है, मर जाएगा। इसलिए शुद्ध भक्त उस वैद्य की तरह होता है जो अखाद्य पदार्थ, जैसे एक वैद्य अपने मरीज को अखाद्य जो उसके लिए उचित नहीं है वो नहीं देता है, उसी तरह शुद्ध भक्त एक जीवात्मा को जो मूर्ख है जो फंसा हुआ है उसको ये नहीं कहता है कि कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ एक दिन तुम मुक्त हो जाओगे, कभी ऐसा करता। इस श्लोक के माध्यम से हम यही समझ पा रहे हैं
कि शुद्ध भक्त की स्थिति क्या होती है, शुद्ध भक्त करना क्या चाहते हैं। और ऐसा ही कृपा जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि देवताओं के वर कैसे हैं, देवताओं के वर कैसे हैं, क्षणिक होते हैं, क्षणिक, कुछ दिन के बाद खत्म। भगवान के वर कैसे हैं, दो चीज, और कौन लोग देवताओं के भक्त बनते हैं और कौन लोग भगवान के भक्त बनते हैं, ये चार चीज रूपा जी के तात्पर्य से आप सुन सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं, बहुत क्लियर लिखा हुआ है, उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जिस स्थिति में हैं, जिस साधन भक्ति कर रहे हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्त के स्तर पर आने का, क्योंकि हमारा मोटो वही है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव और प्रेम, ये शुद्ध भक्त प्रेम को प्राप्त कर जाता है। तो हमें भी चाहिए कि कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम को प्राप्ति करने के लिए हर रोज प्रयास करें, या यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य। प्रेम बिना दरिद्र जीवन, महाप्रभु कहते हैं जिसके जीवन में प्रेम नहीं है ना मैया माता जी, उसका जीवन क्या है, दरिद्र है। हो सकता है उसके जीवन, उसके अकाउंट में एक पर 10 सोना होगा, तो भौतिक दृष्टि से वो धनवान है, लेकिन जिसके जीवन में कृष्ण प्रेम, राम प्रेम नहीं है, गुरु और गुरान के प्रति प्रेम नहीं है, वो बिल्कुल भिखारी है। अरे भिखारी को मिल भी जाता, दरिद्र है। प्रेम जीवन बिना दरिद्र जीवन, तो हमें दरिद्र नहीं बनना है, हमें धनवान बनना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यही शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हमें भी शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे श्री कृपा जैसे शुद्ध भक्तों के अनुगत में आचार्यों के अनुगत में, यही इस श्लोक से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ग्रंथ राम श्रीमद्भागवतम की जय, गुरु श्री कृपाद की जय, गौर सुंदर की जय, श्री राधेश। कुछ कमेंट दीजिए ना, अनाउंस कर दूं, कल दोपहर में, हाँ दोपहर में 10-11 बजे से इजलिस देवव्रत प्रभु के भाई, छोटे बड़े भाई का देहावसान हो गया, उनके अंत्येष्टि क्रिया है कल, कल कथा कीर्तन आदि सब होगा, ब्राह्मण भोज होगा। आप सभी लोग, सभी वैष्णव वैष्णवी माताओं से अनुरोध है, प्रार्थना है, आप सभी वैष्णवों को बताएं और आइए उस अंत्येष्टि क्रिया में, और उस दिवंगत आत्मा की सदगति के लिए आशीर्वाद दीजिए, ताकि उस आत्मा की सदगति और भगवान के धाम को प्राप्त करें। ऐसा कहा जाता है गुरु पुराण के अनुसार कि आत्मा मरने के बाद 13 दिन तक घर परिवार में रहती है और देखती है कि हमारे परिवार वाले मेरे लिए कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं, वैष्णव को बुला रहे हैं कि किसको बुला रहे हैं। तो वैष्णव जाते हैं और अपना उचिष्ट छोड़ते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो उनको भी सदगति और भगवान के धाम की प्राप्ति और बल मिलता है और प्राप्त कर जाते हैं। हरे कृष्ण। 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे के बाद, ये तो 9 बजे ही होगा ना।